छिंदवाड़ा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने रैली निकाली और फव्वारा चौक पर आतंकवाद का पुतला दहन किया। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि बांग्लादेश में गत दिनों में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, घटनाओं के संबंध में एवं हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ की गई एवं हिंदुओं के घरों को जलाया गया एवं जो नुकसान हुआ है या उसके संबंध में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की और आतंकवाद का पुतला दहन किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हत्या एवं धार्मिक पंडालों और मंदिर तोड़फोड़ एवं आगजनी के संबंध में राष्ट्रपति के नाम इस दौरान उन्होंने ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल के द्वारा पूरे देश भर जिला केंद्रों में बीते 5-6 दिनों पूर्व से बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्याएं, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदू देवी स्थल मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। क्योंकि वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, इसलिए यह सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। यह सारी घटनाएं शीघ्र बांग्लादेश में बंद हो जाए, इस हेतु महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को महोदय के माध्यम से यह ज्ञापन किया जा रहा है और ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की गई है कि वहाँ पर जो हिंदुओं की हत्याएं हुई है, जो हिंदू घायल हुए हैं, जिनके मकान जलाए गए हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए एवं बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। क्योंकि बांग्लादेश को हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, इन लोगों को यह बताना चाहिए कि भारत देश में भी बहुसंख्यक हिंदू है और अल्पसंख्यक मुस्लिम और ईसाई है, फिर भी भारत देश में ईद भी मनाई जाती है, क्रिसमस डे भी शांतिपूर्वक मनाया जाता है। BCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।